चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं रोहित शर्मा का बड़ा फेयरवेल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक चोटिल हो गए। ऐसे में अब बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव हो सकते हैं और कार्तिक की जगह एक स्टार खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। भारतीय टीम 2 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच खेलेगी। टीम इंडिया के लिए मुकाबला करो या मरो वाला होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में खेलते समय स्टार बल्लेबाज दिनेश कार्तिक चोटिल हो गए और उनका बांग्लादेश के खिलाफ खेलना बिल्कुल संदिग्ध माना जा रहा है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा फेरबदल कर सकते हैं और एक स्टार खिलाड़ी को टीम इंडिया में मौका दे सकते हैं। चलिए जानते हैं उस स्टार खिलाड़ी के बारे में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और दिनेश कार्तिक भी चोटिल हो गए। दिनेश कार्तिक के चोटिल होने की वजह से बांग्लादेश के खिलाफ ऋषभ को मौका मिल सकता है। पंत की विकेट कीपिंग स्किल भी कमाल की है। वो एक हाथ से छक्के लगाने के लिए फेमस है और उन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को ढेरों मैच जिताए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 में अभी तक ऋषभ पंत को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया है। कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने उनकी जगह दिनेश कार्तिक पर भरोसा किया, लेकिन दिनेश कार्तिक टीम इंडिया की उम्मीदों पर बिल्कुल खैर नहीं उतरे। जब भी टीम इंडिया को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होती है, वो टीम इंडिया की नाव पिच मंझधार में छोड़कर पवेलियन लौट जाते हैं। दिनेश कार्तिक अभी तक T20 वर्ल्ड कप में बल्ले से कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 1 रन बनाए, वही नीदरलैंड के खिलाफ उन्हें बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहम मैच में भी वो 15 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसी मैच में उन्हें चोट भी लग गई। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ ऋषभ पंत को खेलना बिल्कुल तय लग रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को लेना ठीक रहेगा या नहीं? आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। इसी तरह अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रिकेट संगम और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।